तेन निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, ये तो पढ़ लिया था ठीक है। और क्या क्या तेन निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और इससे सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या और समुद्र मासाद्य भवन्ति अपेया, ये था कि नहीं। दूसरी चीज क्या बताइए कि साहित्य संगीत कला विहीन पुक्ष विषाणहीन और तृणम न खादन न पिजीवमाना तद्भाग्येयं परम पशुना, ये पशुओं का परम सौभाग्य ही है कि वो घास न खाते हुए भी जीवे, नहीं तो घास भी कौन खा जाए। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, लुब्धस्य नश्यति यशा, लोभी का क्या नष्ट हो जाता है, जो लालची है सोचे कि ठीक है दो गुलाब जामुन खा लो वहाँ, लालची है और दो पॉकेट में भी धन लो तो उसका यश होगा, उसका क्या यश रहेगा कि समाप्त हो जाएगा, लोग उसकी कहेंगे कि बहुत अच्छा आदमी कि नहीं कहेंगे, तो लोभी आदमी का क्या समाप्त हो जाता है, यश कीर्ति होती है ना जैसे फेम फेमस, तो दैट इज लुब्धस्य लुब्धस्य नश्यति, नश्यति का क्या मतलब है, नष्ट हो जाना। यशा तो लोभी का अगर मैं कहूं लुब्धस्य तो लोभी का, और कहूं बालकस्य तो क्या होगा, बालक का, जब ये लग जाएगा तो इसका क्या मतलब होता है, बालकस्य। सिंहस्य बोलूं तो क्या हो जाएगा, लुब्धस्य नश्यति, तब तक तुमने पढ़ा था पठति, इसी तरह से नश्यति नष्ट हो जाता है, लोभी का क्या नष्ट हो जाता है, होता है यश, लोभी का यश नष्ट होता है। अब पिशुनस्य मैत्री, जरा देखिए पिशुनस्य का क्या मतलब होता है, बोलो, चुगलखोर, तुम इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखती हो लेकिन इसकी जाकर कहीं चुगली कर दो तो ये दोस्ती रखेगी तुमसे, तो जो पिशुनस्य है चुगली करने वाले से कोई दोस्ती करेगा, तो पिशुनस्य मैत्री यानी चुगलखोर का क्या नष्ट होता है, चुगलखोर का स्या का क्या मतलब बोलो, पिशुनस्य चुगलखोर का है कि नहीं, क्या नष्ट होता है कि दोस्ती नष्ट हो जाती है, उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। अभी देखो पिशुनस्य मैत्री नष्ट हो जाती है, नष्ट क्रियस्य अक्रियस्य कुलम, इसको ऐसे पढ़ो नष्ट प्लस अक्रिय, आलसी जो है उसका क्या नष्ट हो जाता है, कोई है किसान के सब बच्चे सब खटिया में पड़े आराम से आलसी, तो क्या किसान का कुल रह जाएगा फिर बेकार हो जाएगा नष्ट हो जाएगा, जिसके परिवार वाले आलसी बच्चे आलसी हैं तो वो अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे कि नष्ट हो जाएगा, आपस में लड़ेंगे भूलेंगे कमाएंगे तो कुछ है नहीं, तो मतलब नष्ट, देखो नष्ट अक्रियस्य, इसमें दो चीजें नष्टक्रियस्य, क्या लिखा करो नष्टक्रियस्य, ये इन दोनों में विच्छेद है तो संधि हो जाएगा, नष्ट लिखा कि नहीं, अक्रिय का क्या मतलब होता है, अक्रिय आलसी, एक होता है क्रियाशील और एक क्या होता है अक्रिय, अक्रिय क्या क्या मतलब हुआ आलसी, तो आलसी का क्या नष्ट होता है, कुल समझते हो कि जैसे तुम्हारी डायनेस्टी है तुम्हारे दादा पिता दादा परदादा ये कुल कहलाता है, तो आलसी का क्या नष्ट हो जाता है, आलसी स्या लगा है तो इसका क्या मतलब है, आलसी का कुल नष्ट होता है, नष्ट होता है। और अगली बात क्या कही गई है, ठीक है कुलम और नष्ट क्रियस्य कुलम और अर्थ परस्य धर्म, अर्थ परस्य जो अर्थ, अर्थ पर का क्या मतलब है, अर्थ समझते हो पैसा, कुलम, कुलम के साथ फिर संधि है अर्थ, देखो कुलम लिखा है
लेकिन कुल्लम में से आधा माँ निकाल दो तो क्या आ बच जाएगा? कुल्लम में से आधा माँ निकाल दिया, अर्थ बच गया। अर्थ परस्य का क्या मतलब है? जो अर्थ को, अर्थ के पीछे भागे। अर्थ समझते हो? अर्थ पैसा। अर्थ परस्य यानी लोभी का क्या नष्ट हो जाएगा बोलो? जो लोभी जो पैसा गिनेगा तो वो मंदिर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि सोचेगा पैसा और कमा दो, एक घंटे मंदिर पे जाना, या वो फिर वो दान भी नहीं देगा। धर्म केवल मंदिर जाना ही नहीं है, दान देना या किसी की भलाई करना ये भी तो धर्म है। तो क्या वो कोई भी धर्म के काम करेगा जो लोभी है? तो अर्थ परस्य धर्म, तो लोभी का, लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। बात क्या कही गई बोलिए जरा देखें। लुब्धस्य नश्यति यशः, ठीक है। अब जैसे लुब्धस्य का क्या मतलब यहाँ पर कहा गया? लुब्धस्य यानी लालची कहा गया ना, और अर्थ परस्य का क्या मतलब है? अर्थ परस्य धन चाहने वाले का एक ही मतलब है लोभी, और ये लुब्धा से भी लोभी है, और अर्थ का मतलब है धन चाहने वाला, एक ही मतलब है धन चाहने वाला, वाले का। वैसे ये भी लोभी है, चलो लोभी, लोभ किसी भी चीज का हो सकता है। और एक होता है पैसे वाला, पैसा की लोभ तो किसी भी चीज का हो सकता है, दो चीजें दो और मिल जाए। देखो लुब्धा से नश्य थी, पढ़ो श्रद्धा, लुब्धा से नश्यति यश, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। कीर्ति, यश का क्या मतलब होता है बोलो? यश का मतलब होता है कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है फेम, उसकी ख्याति, ख्याति जानते हो, दूर दूर तक तुम्हारा नाम है, बोले अरे वो श्रद्धा है, उसके प्रति श्रद्धा रखो, ये होती है। तो क्या चीज होती बताइए? लोभी का यश नष्ट हो जाता है। जो लोभी है, लालची है, कहीं जाए तुमको कोई कुछ खाने पीने को दे, पता चला काजू जेब में भर के लिया, तुम्हारा यश रहेगा? लोभी का यश नष्ट हो जाए। पिशुना से मैत्री यानी चुगल भोग की दोस्ती नष्ट हो जाती है। नष्ट अक्रिय से कुलम, अक्रिय का क्या होता है? नष्ट अक्रिय यानी आलसी, तो आलसी का क्या नष्ट हो जाता है? गुल का मतलब उसकी पूरी डायनेस्टी, जो पूरा वंश है बेकार गया। अगर आलसी बच्चे हैं तो क्या अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे? आलसी का वंश नष्ट हो जाता है। और कुलम और अर्थ परस्य धर्म नष्ट हो जाता है। जरा एक बार फिर से चालू बताओ, सुधीर जी को अच्छा बता दे, संस्कृत भी बोलो और फिर वो भी बताओ। नश्यति, मतलब इसका असर लोभी, लोभी होते हैं, लालची बोल दो, लालची का। अरे बताओ लालची का क्या, यहाँ से नहीं पता चल रहा क्या नष्ट होता है? लालची का नष्ट यश नष्ट होता है, यश नहीं लिखा, नष्ट होता है यश। तो लालची का यश समाप्त हो जाता है, बोलो। लिखा है, लेकिन जब हिंदी तो ऐसे नहीं बोली जा सकती ना, मैं तो उसी के नीचे उसका उसका लिख रहा हूँ, लेकिन जब हिंदी को तुम कंपाइल करोगे तो ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसे बोला जाए, वो तो मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अर्थ नहीं है, मैं तो सिर्फ वर्ड वर्ड का लिख रहा हूँ। हाँ बताओ, लोभी का यश नष्ट हो जाता है और चुगलखोर की दोस्ती। आगे नष्ट प्लस आगे क्या पढ़ोगे? ज्यादा संस्कृत बोलो, नष्ट प्लस अक्रिय। बहुत अच्छा, तुम तो विच्छेद भी कर ले रही हो, यानी अक्रिय का क्या नष्ट होता है? कुल नष्ट होता है। अक्रिय यानी किसको कह रही हो? अक्रिय कौन होता है? नहीं, अक्रिय का मतलब जो क्रियाशील ना हो, जो क्रियाएं ना करे, आलसी। अक्रिय का मतलब क्या है? जो क्रिया ना करे, तो आलसी में क्या नष्ट होता है? आगे पढ़ो, जो धन चाहने वाले लोग का धन नष्ट होता है।
यानी अर्थ परस्य, कुलम के आगे कुल अर्थ परस्य धर्म, ठीक है कि नहीं? ये दोनों लाइन सही से बोल के दिखाओ संस्कृत बोलो। संस्कृत लोभस्य नश्यति यशा, लुब्धस्य बोलो लुब्धस्य नश्यति और एक साथ ही बोल दो नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः। देखो लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः। यहाँ बीच में आधे पे तोड़ना, जब कोई भी श्लोक होता है यहाँ पे तोड़ देना। नष्ट क्रियस्य कुलम बोलो, फिर इसका आइस में डाल दो अर्थ परस्य धर्म। फिर से बोलो जरा ऊपर से बोलो, लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब बाब ये ना लुब्धस्य नश्यति यशः, ठीक है नष्ट क्रियस्य एक साथ बोलो कुलम, बहुत अच्छा, अर्थ परस्य धर्म, ठीक है इतना समझ आ गया। अभी पूरा श्लोक बोलवाएंगे सही बोल दो नाम है। फिर से बोलो बेटा, अभी तो आधा बोल रहा है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रिणस्य क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः। तुमको एक बार बोल रहे तो बोलो, लुब्धस्य धर्म तो है लुब्धस्य यशः, शिति वाला सा यशः बीच सा होते हैं सतेरा वो वाला। चलो आगे बोलो, पिशु देखो विद्या फलम, जो विद्या का फल किससे नष्ट हो जाता है बताओ? विद्या फलम जो बुरे कामों में लिप्त है, क्या उसके विद्या का फल नष्ट हो जाए? तुमने बहुत पीएचडी एचडी की, अभी सोचो आज जो है चार लोगों का खून कर देंगे, दो लोगों को मसल देंगे, तो तुम्हारा पीएचडी गया ना, ये तुम्हारे पढ़ने लिखने का कोई फायदा हुआ? दो लोगों की डकैती करो, बुरे कामों में तुम लिप्त हो जाओ, तो क्या तुम्हारी विद्या का कोई फल रहेगा? या बुरे, या शाम को शराब पीने लगो, ऐसे कुछ करो, बीड़ी पीने लग जाओ, तो क्या रह जाएगा? व्यसनी ना का क्या मतलब है? जो बुरी आदतों में लत ना, तो विद्या फलम किसका नष्ट हो जाता है? विद्या फल किसका नष्ट होता है बोलो? व्यसनी का, व्यसन करने वाले का। व्यसन का क्या मतलब होता है? तो बुरी आदत वाले का, बुरी आदत वाले का क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फल, उसको विद्या का कोई फल मिलेगा? नष्ट होता है। आगे पढ़ो, कृपणस्य सौख्यम, जो बहुत कंजूस है। अरे यार तुम तो आज बहुत दिनों बाद मिले, मैं बहुत कंजूस हूँ, चलो साथ बैठते हैं, जगह बैठा लेंगे उसको, खिलाए और बैठे, चलो और शाम तक बैठे, कल तक बैठे, खिलाएगा एक रुपये का नहीं, तो बताओ उसका कोई दोस्त बनेगा? कंजूस का क्या नष्ट हो जाता है? दोस्ती या सखा भाव। तो कंजूस का क्या नष्ट होगा बोलो? दोस्ती, उससे कौन दोस्ती करेगा? यह सौख्यम का मतलब सुख, कंजूस का सौख्यम का क्या मतलब होता है? कृपणा से बोलो, कंजूस को कोई सुख हो सकता है? कृपणा से सौख्यम, जो एक रुपया भी जिंदगी में ना खर्च करे तो वो अपने ऊपर भी नहीं खर्च करेगा, उसको कोई सुख मिलेगा? कमाता रहेगा, खर्च नहीं करेगा। तो सौख्यम का मतलब है कि कंजूस का सुख खर्च हो जाता है। देखो लिखा ही नहीं, कंजूस का क्या है? सुख हो जाता है। तो कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और आगे क्या लिखा है? ठीक है, राज्यम प्रमत्तस्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, तो राज्य
प्रमत्त सचिव जो मंत्री घमंडी है तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है क्या? प्रमत्त का क्या मतलब होता है? प्रमत्त और सचिव का मतलब मंत्री, जिस राज्य का मंत्री प्रमत्त, तो पीछे क्या लिखा है? ठीक है, और नराधिपस्य चलो उसमें आगे क्या लिखा बताएंगे कि प्रमत्त सचिव आलसी मंत्री का राज्य नष्ट हो जाता है और नराधिपस्य, ठीक है, राजा के, देखो प्रमत्त सचिव आलसी मंत्री का राज्य नराधिपस्य, जिस राजा का आलसी मंत्री हो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। नर अधिपस्य, अधिपति होता ना, नर का मतलब तो मनुष्य होता है, और अधिपति का क्या मतलब होता है? अधिपति तो पहले पढ़ा होगा ना, राजा। तो अधिपति, तो इस नर अधिपति यानी राजा, वैसे तो जानवरों का भी राजा होता है, वो तो शेर होता है, लेकिन इंसानों का राजा तो राजा ही होगा कि नहीं? नर अधिपति। एक होता है पशु अधिपति, पशुओं का राजा कौन है? शेर। लेकिन नर अधिपति कौन है? राजा। तो जिस राजा का प्रमत्त सचिव, हु हैज, जिसका कैसा बताइए सचिव हो कि आलसी मंत्री हो, लेजी मिनिस्टर, प्रमत्त सचिव। प्रमत्त का क्या मतलब है? आलसी। और सचिव का क्या मतलब है? मंत्री। जिस राजा का आलसी मंत्री हो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। समझ में आ गई? तो इन सब का लिखो, लोभी का यश, जो लोभी है उसका यश चुगलखोर की, चुगलखोर की दोस्ती, विशुनस्य मैत्री। देखो आलसी का कुल, आलसी जो है उसका वंश नष्ट हो जाता है। कुल समझते हो? नहीं समझते तो वंश देखो, है ना, कहते नहीं कि ये मेरा वंश आगे बढ़ाएगा, ऐसा नहीं। आलसी का कुल और धन चाहने वाले का, धन अगर कोई चाहेगा, धन वो कभी भी धर्म का काम नहीं करेगा, का धर्म। बुरी आदत वाले का विद्याफल, बुरी विद्याफलम व्यसनस्य, व्यसनना, बुरी आदत वाले का विद्या फल, क्रपणस्य सौख्यम, कंजूस का, कंजूस का सुख, ठीक है। जिस राजा का मंत्री आलसी हो उसका राज्य नष्ट, जिस राजा का मंत्री आलसी हो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। दिवस समझ में आ गई? ओके, नाउ अब पेपर पर श्लोक लिखो देख के और अर्थ लिखो बिना देख। तो मिटा दूंगा, दो मिल गए पेपर की, नहीं दो है। व्यसन का मतलब बुरी आदत, बोलो देख लिया लिख लो।
तो दूसरा टुकड़ो एक ही टुकड़ा को कितना आंसर करना पीत्वा रसम दुकटुकम मधुरम समानम पीत्वा पीत्वा का मतलब पीकर रसम रस पीकर तु कटुकम मधुरम समानम ठीक है माधुर्यमेव जनये मधुमक्षिका सौ माधुर्य माधुर्यम एव यहां पर एक विच्छेद है जरा देखो माधुर्यम एव जनयेन जनयेन का क्या मतलब है बनाती है मधुमक्षिका सौ मक्षिका सौ देखो मधुमक्खी पीकर मधुमक्खी क्या पीकर बताओ मधुमक्खी कुछ फूल या पत्ती का रस कड़वा होता है नीम कड़वी होती है चाहे वो नीम के भी फूल खाती कि नहीं मधुमक्खी बैठती है चाहे वो कड़वा रस पिए और चाहे मीठा रस पिए कुछ फूल का रस मीठा भी होगा उन दोनों को ही पीकर वो शहद ही माधुर्यम एव जनये शहद ही बनाती है तो मधुमक्खी चाहे कड़वा रस पिए चाहे मीठा रस पिए दोनों को कटुकम मधुरम समानम क्या वो दोनों को समान रूप से पीती है और माधुर्यम एव जनये क्या शहद बनाती है उसी तरीके से संत पुरुष सज्जन को और दुर्जन को संतः तथैव संत उसी प्रकार से संतः तथा संत उसी प्रकार से सब रहते हैं किनके किनके साथ सज्जन के साथ और सज्जन का मतलब समझते हो अच्छे लोगों के साथ वे अच्छे लोगों की बात भी सुनेंगे और बुरे लोगों की बात सुनेंगे लेकिन संत बोलेंगे कैसा बताओ शुद्धवा वचन उनके वचन तो सुनेंगे फिर भी क्या वे मधुर सूक्त रसम सजती वे मधुर श्लोक ही बोलेंगे तो संत व्यक्ति कभी संत इसीलिए कहलाते ही वो क्योंकि वे दोनों की बात सुनेंगे लेकिन हमेशा कैसा बोलेंगे बोलो मीठा मधुर सूक्त रस वो कैसा काम करते क्या वो मधुमक्खी की तरह काम करते उसी तरीके से मधुमक्खी पीत्वा का क्या मतलब है पीकर जैसे पीत्वा ठीक है श्रुत्वा का क्या मतलब है ये भी इसके एक्सरसाइज आएगा सुनकर इसका क्या मतलब होगा और पीत्वा पीकर खादयित्वा बोलो खाकर गमित्वा जाकर गमित्वा यानी जाकर बोलो समझ आ गए कि नहीं इसी तरीके से क्रीडित्वा खेलकर क्रीडित्वा का क्या मतलब है खेलकर हसित्वा हंसकर हसित्वा तो यहां लिखा है मधुमक्खी क्या पीकर रस कैसा कड़वा या मीठा कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीती कि नहीं पीकर और रस तू का मतलब ही
बोलो बेटा, मधुमक्खी कड़वा या मीठा रस समान रूप से पी कर, हाँ बोलिए, एनी इशू? माधुर्यम एव जनिए, मीठा शहद ही बनाती है। माधुर्यम का मतलब है मीठा ही बनाती है, लेकिन मन में सोचो शहद ही बनाती है। माधुर्यम का क्या लिखा है? मीठा, वहां गलत लिखा, मीठा नहीं होता है, मीठा शहद। एव का मतलब ही, और जनिएम का क्या मतलब है? बनाती है। जनक होते हैं पिता, जो हमें बनाते हैं, इसी तरह से ये भी जन तो बनाती है। इसको जरा कंपाइल करो श्रद्धा, पूरा एक साथ बोल के दिखा। मधुमक्खी मधुमक्खी के बाद रस क्यों बोल रही हो? सही सेंटेंस बनाओ। मधुमक्खी फूलों का, एक मिनट, फूल नहीं लिखा है, उतना ही बोलो जो लिखा है। मधुमक्खी कड़वा या मीठा रस समान रूप से, बोलो, समान रूप से पीती है। पी कर, वही बोलो, अपने मन से नहीं, तो फिर लट लगा कर, तुम लट लगा कर दे रही हो, कहीं लोट लगा कर रही हो। हाँ, मीठा रस पीकर, समान रूप से पीकर मीठा, सही, मीठा शहद ही बनाती। शहद लिखा नहीं, इसलिए मुझे ब्रैकेट में बन गया, शहद ही बनाती। अगला सेंटेंस बताओ जरा श्रद्धा। इसी प्रकार से बताओ आगे क्या सेंटेंस है। संतस तथ है, यानी संत उसी प्रकार से, तथायों का क्या मतलब है? हाँ बोलो। संत उसी प्रकार से सज्जन और दुर्जन लोगों की बात सुनकर मधुर वचन ही बोलते हैं। संतस तथ है, संत उसी प्रकार से, संतस्तत है। तो संतस्तत है, इसका क्या मतलब होगा बेटा? संता प्लस तत है, आपका नाम बताइएगा फिर से, भूल गए। हाँ प्रभात। तो संता प्लस तत है, तथा का क्या मतलब है? उसी प्रकार से। तो संत उसी प्रकार से, उसी प्रकार से संत क्या करते हैं बताओ? सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन के प्रति समान रहते हैं क्या? सम सज्जन दुर्जन का क्या मतलब होता है? दुर्जना नाम दुष्ट व्यक्ति, उनका कोई अहित नहीं करेगा ना, तो उसी साथ उसी प्रकार से अच्छे और बुरे लोगों के प्रति के वचन समान सुनकर, है ना, समान वचन सुनकर, उसी प्रकार से अच्छे और बुरे, व्यक्ति नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, बुरे को समान सुनकर। श्रुत्वा का क्या मतलब? देखो यहां मैंने श्रुत्वा लिख दिया क्या? लिखा तो है श्रुत्वा, जैसे पीतवा पीकर, और श्रुत्वा का क्या मतलब हुआ? सुनकर। देखो तो श्रुत्वा उनको सुनकर, ठीक है। और वचा मधुर सूक्तम सृजंती, वचा मधुर सूक्तम सृजंती, देखिए सुनकर, ठीक है, मधुर सूक्त, सूक्त का मतलब मधुर वचन की मधुर श्लोक, देख लेते हैं, मधुर सूक्त मीठे वचन, ठीक है। तो यहां क्या बताओ? मीठे और सूक्त क्या होती है? सुनकर मीठे बाढ़ के रूपी रस, सूक्ति का मतलब श्लोक से लो, श्लोक के वचन, ठीक है, बनाते हैं। सृजंती का क्या मतलब है? बनाना, बनाते हैं, ठीक है। यह मीठे, इसको देख लेते हैं,
सूत लिखा है, सूत में लिखा है क्या सूत? सूक्ति का हिंदी अर्थ मीनिंग ऑफ सती आची आती पार्टी अबारा, अच्छी बात बोलते हैं। सूक्ति का क्या मतलब बोल रहा है? अच्छी बात, ठीक है, मीठे अच्छे वचन बोलते हैं। मीठे श्लोक भी बोला जा सकता है, मीठे अच्छे वचन बनाते हैं। समझ आ रही बात कहीं? तो अब इसको क्या लिखे? उसी प्रकार से, हाँ श्रद्धा बताओ फिर से जरा। उसी प्रकार से संत दुर्जन और सज्जन लोगों की बात सुनकर मीठे वचन बोले। संत दुर्ज सज्जन और ठीक है, कुछ भी लिख लेना, अच्छे और बुरे, सज्जन और दुर्जन बोलना चाहते हैं, कोई बात नहीं, की बात समान रूप से सुनकर ना, वो समान रूप से सुनता, समा भी तो है, क्या लिखा है? समा, सम, सम लिखा है, वो समान रूप से सुनकर बोलो अच्छे मीठे अच्छे वचन बोलते हैं, मीठे अच्छे वचन बोलते हैं। देखो सृजंती क्या लिखा है यहां पे, ये बताओ, पठती पठता है, पठंती इसका मतलब है एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, और सृजति आगे बताओ, सृजता है, तो बहुत सारे संत बहुत सारी बात बताएंगे, सृजंती। अच्छा इसी तरीके से जाने को कहते हैं गच्छ, तो गच्छति, गच्छ का क्या मतलब होता है? जाना, यह पढ़ना, पाठयति पढ़ाने को ना, पठत आगच्छति, गच्छति आगे बताओ, गच्छता लोग गच्छन्ति, उसी तरह से इसको कहेंगे जाना, इसको क्या कहेंगे? बनाना। आगच्छ का क्या मतलब होता है? आगच्छति के लिए बना लोगे क्या? आगच्छति आगच्छता आगच्छति, ठीक है। अगर खाना पकाएंगे तो कहेंगे पाचति, पचति, ठीक है, पचति, और फिर पचता, और पचंती। इतनी बात समझा गई? इसी तरीके से रोने को क्या कहेंगे? रोदती। क्या बताएंगे? रोदती, रोदती का क्या मतलब है? रोना, अपचती, पकाना, तो रोदती, रोदतः, रोदंती। मयूर नाचता है, नाचने को क्या कहेंगे? नृत्यति। क्या बोलेंगे? नृत्यति, नृत्यति, नृत्यतः, और नाचता है। इसी तरीके से इसका क्या मतलब है? तो तुमको मैं एक दे रहा हूं, बाकी नहीं दे रहा हूं, यहां से सब कुछ तुम्हारे लिए हटा दिया है, अब तुमको नहीं, अब इसके लिए तुम्हें क्या क्या बनाना है बोलो? द्विवचन लिखना पड़ेगा क्या? द्विवचन, बहुवचन, अब मैंने इसका अर्थ भी दे दिया, एक वचन सबके दे दिए। अच्छा इनका तुम्हें अर्थ लिखना है, श्रुत्वा बोलो, पीत्वा, खादयित्वा, गमित्वा, जाकर, जाकर, ठीक है, क्रीडित्वा, हसित्वा, बस तुम्हें आ गया, अभी इसका अर्थ लिखो, क्योंकि एक या एक लिख दे रहा हूं सुनकर, नहीं 10 मार्क्स नहीं हुआ, इसको अब श्लोक लिखो, इसका अर्थ लिख लो, ये लिखो। पांच वास्तव में पिछला वाला पेपर हल्का था, इधर वाला से पांच नंबर में तो इतना होना चाहिए, ये लो श्लोक देख के लिखो, 10 से नहीं होता है ना, ऐसे तो मेरे सारे पेन खत्म हो गए, ये लो, इसको देख लिया?
कुछ लिखना ही नहीं, ठीक है ना। चलो विहाय पौरुषं यो हि देवं अवलंबते, देवं अवलंबते जो प्रसादा सिंधवत तस्य मूर्धिं तिष्ठन्ति वायसा। देखिए विहाय पौरुषम, विहाय जो छोड़ देते हैं, पौरुष का मतलब समझते हो? पौरुष यानी जो बल को, बल को छोड़ दिया भाग, जो रह भरोसे भाग के देखकर बाधा विघ्न विघ्न घबराते नहीं, और रह भरोसे भाग के जो लोग अकुलाते नहीं, बहुत सारी बाधाएं देखकर भी जो घबराए नहीं और भाग के भरोसे न रहे, तो विहाय पौरुषम जो अपना पौरुष छोड़ दें और किसके किसके भरोसे रहें, यो ही देवम एव अवलंबते, यो ही देवम एव, देवम प्लस एव प्लस अवलंबते, अवलंबते। विहाय का क्या मतलब है? छोड़कर, छोड़कर। पौरुष का मतलब कि बल को छोड़कर, जैसे तुम कह दो अरे मैं फर्स्ट नहीं आई, मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं तो पूरे साल बैठी रही, बस फर्स्ट ही नहीं आ पाई, तो भाग्य पे भरोसा रखना, तो भाग्य ही अच्छा नहीं था, मैं तो बैठी थी पूरे साल, फर्स्ट ही नहीं था। तो एक है जिसने मेहनत की वो फर्स्ट आ गया, तो बोलो जो भाग्य के भरोसे बैठा रहा है वो ठीक है कि जो अपने पौरुष के भरोसे बैठा रहा है वो ठीक है, कि हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। तो जो बल को छोड़कर पौरुष को छोड़कर क्या करें, यो ही जो बल को छोड़कर, जो देवम का मतलब क्या होता है, भाग्य, देव, देव देव आलसी पुकारा, हे भाग्य ऐसा तो आलसी लोग ही पुकारते हैं। जो लोग किसके भरोसे बैठे रहते हैं बताओ, भाग्य का ही, देव का मतलब क्या होता है, ही, अवलंबते यानी सहारा लेते हैं, जो भाग्य को छोड़कर, जो पुरुष, जो पौरुष को छोड़कर, जो अपने बल को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं। अब इसके आगे क्या लिखा है, प्रसाद सिंहवत, प्रसाद सिंहवत, जैसे महल में बैठे हुए शेर, आलसी शेर के सर पे कौवे ही मंडराते हैं, शेर बैठा हो महलों में
तो वो हिले डुले ना, तो उसको तो, उसको तो हिरन भी नहीं मिलेगा खाने को, सर पे कौए और बीट करके चले जाए। सर अगर खेत में बोर हो तो सर वो सर कौए को आराम से खा लेता। क्या चीज? सर आपने जैसे कहा ना कि सर जैसे बारिश नहीं तो सर जैसे कि सर कौआ आज से शेर के ऊपर बैठा हो, तिष्ठति, तिष्ठति का क्या मतलब है? पठति पढ़ना, तिष्ठति यानी बैठना। वायसा का क्या मतलब है? कौए। तो महल में जैसे कि महल में बैठे सिंह की तरह महल के सिंह वत की तरह उसके मूर्धनिम का क्या मतलब है बताओ? सिर पर, सिर पर तिष्ठति, जैसे तिष्ठति यानी बैठता है। कौन बैठता है? कौआ। वायसा, वायसा का मतलब है कौए, बहुत सारे तो कौए। अब जरा इसका अर्थ देखो, इसका अर्थ है जो मेहनत को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, जो मेहनत, तुम मेहनत ना करो बोलो भाग्य होगा तो फर्स्ट आ जाएंगे, पढ़ेगा ही छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं। महल में बैठे ऐसे शेर के सिर पर तो सिर्फ कौवे ही मर जाते हैं, तो वह महल में बने हुए शेर की तरह, महल ने, क्या तुमने महल में शेर बने हुए देखे हैं? बोलो। महल में जहां दरवाजा होता है दो शेर बना लेते हैं, लेकिन उन शेरों का क्या हाल होता है? उनके सर पर कौवे बैठते हैं, पत्थर के शेर होते हैं वो, कबूतर बैठेंगे बीट करके चले जाएंगे गंदा का, और जो जंगल का शेर उसके सर पर बैठेगा कभी कभी कौवा। तो महल में बने हुए क्या लिखा है? महल में बना हुआ शेर, बना हुआ कैसा होता है? पत्थर का ही तो बना रहे। महल में बने हुए शेर के सर पर कौवे ही मंडराते हैं, कौवे ही मंडराते हैं। उससे उससे डर के कभी हिरन भागेगा ना? तिष्ठति यानी मंडराते हैं बैठे, तिष्ठति का क्या मतलब है? मेहनत को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेते हैं, तो आगे क्या लिखा है? चलिए अब अगला देखो, पुष्प फल पत्र छाया मूल वल्क वल्क दारु भी धन्या मही रूहा येशाम विमुखम यांति नार्थिना। पुष्प तो जानते हो, पत्र पत्ता, फल बताओ, फल हो गया, छाया का छाया भी देता है ये वृक्ष, ये सब कुछ दे रहा है, पुष्प भी दे रहा है, फल भी दे रहा है, पत्र भी दे रहा है, छाया मूल। क्या तुम किसी पेड़ के मूल को, रूट को खाते हो? तुम मालूम है क्या खाते हो? कैरेट, रेडिश, ऐसा खा, पोटैटो भी खाते हो, तो ये सब रूट्स की तरीके हैं। और वल्क देखो, वल्क का मतलब है कभी कभी जैसे तुम दालचीनी खाते हो उसका छीलन है, तना होता है ना, एक मसाला होता है ना दालचीनी, तने में वो लंबे लंबे नहीं होते, वो जो होता है तना नहीं होता, स्टेम, स्टेम को छील के बनाया जाता है, तो उसको वल्क कहते हैं। क्या कहते हैं?
तना जानते हो ना, तना कई बार तुम तने को भी खा जाते हो, जैसे तुम गन्ने को खा रहे हो ना, गन्ने का जूस तना ही तो है, बल्ब को खा जाते हो, तो तने को भी हम लोग खा सकते हैं ना, तो तने को भी खा देते। ये सब किससे मिलता है बताओ? पेड़ों से। धन्या मही रूहा, ठीक है। देखो अब इसको क्या कहा गया है, बल्ब का क्या मतलब है, छाल छाल, और दारूही का क्या मतलब, क्या तुम पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करते बैठने के लिए, ठीक है। धन्या मही रूहा, ऐसा सांगवान का पेड़ धन्य है। सांगवान के पेड़ से ही लाल किला बना है, सब उसके बड़े बड़े पैटर्न, वो जो यमुना नदी को डाल दी आज तक साले नहीं है, 600 साल हो गया। सांगवान की लकड़ी बहुत महंगी होती है, और यहाँ पूरे राजस्थान में सांगवान की लकड़ी का सामान। तो ऐसा मही रूहा किसको कहते हैं, ऐसे सांगवान का पेड़ धन्य है जिसकी हर चीज इस्तेमाल होती है, और जिसके विमुख, जिसके विरुद्ध। ये शाम विमुखम का क्या मतलब है, जिसके विरुद्ध क्या होते हैं, यांति याचक, नहीं जब इसका अर्थ देखें, ठीक है। जिसके याचक विरुद्ध नहीं होते, यानी ये याचक की हर मांग पूरी करता है, फल चाहिए फल ले लो, लकड़ी चाहिए लकड़ी ले लो, छाल चाहिए छाल ले लो। सो इट फुलफिल्स ऑल डिमांड्स, जो भी मांगने वाला आता है। सो हू एवर कम्स, सो हूज पेटिशनर्स आर नॉट अगेंस्ट। अब इस चीज को लिखो, पुष्प पत्र फल छाया, पुष्प जो पुष्प भी देता है, पत्र भी देता है, फल भी देता है, छाया भी देता है, और क्या दे रहा है, मूल। मूल का क्या मतलब है, जड़। वर्ग का क्या मतलब है, बोलो, पेड़ की छाल, हमने बता नहीं तने की छाल, और दारू भी है, सही कह रहे। तो पुष्प का मतलब फूल, पत्र का मतलब पत्ते, फल भी दे रहा है, छाया, और मूल का क्या मतलब है, जड़। मूली नहीं जानते हो, जो जड़ होती है ना पेड़, जमीन के अंदर की होती है, वो भी तो तुम खाते हो जड़। जैन लोग मूली नहीं खाते जमीन के अंदर, वो ना मूली खाएंगे ना रेडिश नहीं खाएंगे ना गाजर खाएंगे। अच्छा वर्ग का क्या मतलब है, पेड़ की छाल दे रहा है, और दारू भी लकड़ी, पेड़ की छाल और दारू भी का मतलब लकड़ी। धन्य तस्य मही रूहा, ऐसा सांगवान का पेड़ धन्य है जिसके याचक भी उसके विरुद्ध नहीं होते। मांगने वाला कभी विमुख नहीं होता, माना किसी को पता ही नहीं, जाओ ले जाओ कुछ, जो ले जाओगे लकड़ी काट के ले जाओगे हजारों की बिकेगी, सांगवान की लकड़ी सबसे महंगी है। धन्य मही, धन्य मही रूहा, ऐसा सांगवान का पेड़ धन्य है, सांगवान का पेड़ धन्य है जो अपने याचक, येषां विमुखं नान्ति, यान्ति न अर्थना, येषां जिनके विमुख, तो उसके याचक भी नहीं है, कोई याचक मांगने वाला उसकी बुराई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो हर चीज देता है। विमुखं, विमुख का क्या मतलब है, बुराई करना या उसके बारे में गलत बोलना। यान्ति न अर्थना, तो न अर्थना का मतलब है याचक। याचक का क्या मतलब होता है, मांगने वाला, मांगने वाला। तो जिसके विमुख उसके याचक भी नहीं। विमुख का मतलब है निराश, उसके याचक भी नहीं है। तो देखो, सांगवान का पेड़, सर तब मेरा भाई कहीं बात करके गया नाइट में, कितना बजे छुट्टी हो गया सर, ये 11:40 का, 11:40 10 बजे से क्लास शुरू होगी।
देखो सांगवान का पेड़ धन्य है, ठीक है, जो क्या क्या दे रहा है बताओ, जो फूल पत्ते फल छाया जड़ जल भी दे रहा है, और तो पेड़ की छाल समझता है ना, आउटर कवरिंग, तने में से जो लकड़ी निकलती ना, पेड़ की छाल, पेड़ की छाल जैसे दालचीनी कभी तुमने खड़ी देखी, वो पेड़ की छाल ही होती है, और क्या बताओ, लकड़ी देता है, तो वो सांगवान का पेड़ धन है कि नहीं, जो अपने याचक को निराश नहीं करता, जो उससे कोई मांगने जाएगा उसको वही चीज दे देगा, जो अपने याचक का मतलब समझते हो क्या कि नहीं, याचक ना समझे तो मांगने वाला, जो अपने याचक को निराश नहीं करता, अगर भूल जाना तो लिख देना मांगने वाले को निराश नहीं करता, निराश नहीं करता, अब इतनी सारी चीज दे रहा है तुम्हारे मतलब की एक तो होगी, वो पूरा पेड़ खुद ही देने को तैयार है, कहना हमें कुछ नहीं चाहिए, सब ले जाओ, जो भी बेचोगे उसी में पैसा, चलो ये दोनों अर्थ स्लो मिल को अर्थ मिल को धीरे धीरे नाउ देखिए क्या नाम है आपका, जानी हेलमेट उधर रखो तुम इधर बैठो तब देख पाओ।